अगला सवाल क्वेश्चन टू अथर खान आप ही के लिए है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं पर हर आतंकवादी मुसलमान है, ऐसा क्यों? ये सोशल मीडिया पे बहुत आम है। हर मुसलमान तो आतंकवादी नहीं है लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। एक्चुअली अगर मैं कहूं दैट ऑल ह्यूमंस आर नॉट इडियट्स बट ऑल इडियट्स आर ह्यूमंस। कि हर इंसान तो मूर्ख नहीं है लेकिन जो भी मूर्ख है वो इंसानी है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि मूर्ख हर धर्म में मौजूद है। मूर्ख जो है वो हर धर्म में मिलेगा आपको। बल्कि कहा जाता है, भोपाल के अंदर कहावत है, जब तक मूर्ख जिंदा है अकलमंद भूखा नहीं मर सकता। तो बहरहाल, तो इसी तरह जो टेररिस्ट हैं, हम सिर्फ एक धर्म के ऊपर के इसी धर्म में पाए जाते हैं ऐसा नहीं है। बुरे लोग हर धर्म में हो, जो भी बुरे लोग हैं जो टेररिज्म करते हैं आतंकवाद करते हैं वो उस धर्म को फॉलो नहीं करते। तो इसलिए धर्म को बदनाम करना उनकी एक्टिविटी की वजह से, उनके एक्शन की वजह से, ये बहुत गलत बात है। कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि टेररिस्ट या बुरे लोग या मूर्ख या इडियट्स हर धर्म में, हर कम्युनिटी में पाए जाते हैं, तो मैं मिसाल देता हूं। जैसे जूज हैं, जब ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे इसराइल के ऊपर, पैलेस्टाइन के ऊपर, तो कई ज्यूइश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, इर्गुन, हागना, स्टर्न गैंग, और ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ बॉम्ब ब्लास्ट करते थे। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रिटिशर्स ने इनको क्या कहा था, टेररिस्ट हैं ये लोग। और इन्हीं टेररिस्ट में से एरियल शरोन, मेनाकिम बिगिन, ये बाद में इसराइल के प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी। अगर आप क्रिश्चियंस की तरफ आएंगे, देखिए क्रिश्चियनिटी नहीं सिखाती है लेकिन क्रिश्चियंस में भी ब्लैक शीप है। हर कम्युनिटी के अंदर ब्लैक शीप है, एक्चुअली हर कम्युनिटी में बुरे लोग हैं। तो IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जो पिछले 100 साल से टेररिस्ट अटैक्स कर रही है यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, आप अफ्रीका चले जाएंगे, अफ्रीका में तो लॉर्ड सेल्वेशन आर्मी जो बच्चों को वॉरियर बनाती है, इंडिया में आप आएंगे तो क्रिश्चियन मीजोस, क्रिश्चियन नागाज, तो बुरे लोग यहां पर भी है लेकिन ईसाइयत आतंकवाद नहीं सिखाती। अमेरिका में क्लू क्लू क्लैन, के क्लैन, ये लोग ईसाइयत के नाम पर गलत काम कर रहे, ईसाइयत को बदनाम कर रहे। वहीं आप हिंदुइज्म में आइए, सुसाइड बॉम्बिंग अक्सर मुसलमानों से जोड़ा जाता है, इराकीज, कश्मीरीज, अफगानीज, पैलेस्टीनियंस। लेकिन इसका पायनियर कौन है जिसने लार्ज स्केल में इसको यूज किया, कोई बता सकता है? Who is the pioneer of suicide bombing on a large scale? Tamil Tigers. And they are, by religion, Hindus. Ulfa, United Liberation Front of Assam. तो ये भी अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदुइज्म लेकिन, या सनातन धर्म, या हिंदू मत, या हिंदू धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। लेकिन फिर भी ये लोग, बुरे लोग जो हैं, यहां पर पाए जाते हैं। इसी तरह जो लोग धर्म को मानते ही नहीं है, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए, धर्म को नहीं मानते, तो रेड ब्रिगेड्स इटली के अंदर, जापानीज रेड आर्मी, बादर मेहॉफ गैंग जर्मनी में, माओइस्ट हमारे इंडिया में, माओइस्ट, तो नक्सलाइट्स, ये सारे लोग धर्म को नहीं मानते लेकिन उसके, जोसेफ स्टालिन, माओजी डोंग, ये सब लोगों ने बहुत लोगों का कत्ल किया, बहुत बुरे बुरे काम किए, धर्म को नहीं मानते लेकिन फिर भी ये लोग भी, इनके अंदर भी बुरे लोग पाए जाते हैं, इनके अंदर भी आतंकवादी पाए जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि सारे मुसलमान जो हैं वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन
सारे आतंकवादी जो हैं वो मुसलमान हैं, तो ऐसा नहीं। और कई बार हमने देखा कि कोई अलग अलग जगह पे लोग संघर्ष कर रहे हैं, पहले उनको लेबल दिया जाता है आतंकवादी का, लेकिन उनका संघर्ष भी सही होता है। नेल्सन मंडेला का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उनको टेररिस्ट कहा गया था पहले, लेकिन एक्चुअली उनका जो संघर्ष था कि व्हाइट स्किन आपको सुपीरियर नहीं करती, आपके जो स्किन का कलर है वो आपको सुपीरियर नहीं बनाता, बल्कि सब इंसान बराबर है, चाहे वो ब्लैक हो व्हाइट हो। तो ये संघर्ष था उनका। और रॉबिन आइलैंड में उनको कैद भी किया गया, जब वो बाहर आए तो ही गॉट द नोबल प्राइज फॉर पीस, नोबल पीस प्राइज मिला नेल्सन मंडेला। तो इसलिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कौन इंसान क्या कर रहा है, किस बात के लिए संघर्ष कर रहा है। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि मैं अभी देख ही रहा था लिस्ट, लास्ट 12 या 14 नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं वो कौन हैं, तो मुझे दिखाई दिया कि उसमें 5 नाम तो मुसलमान थे। द लास्ट 5 नोबेल प्राइज विनर्स वर मुस्लिम्स, माशाल्लाह। नोबेल कौन से प्राइज? नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। तो मलाला यूसुफजई है, मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश के, ऐसे 5 लोग हैं यमन के हैं, ईरान के हैं, 5 पीपल हु गॉट द नोबेल पीस प्राइज। तो मैं उम्मीद करता हूं और मैं मुसलमानों से आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मानवता के लिए, इंसानियत के लिए आगे आइए, पीस के लिए आगे आइए, हारमोनी के लिए आगे आइए, ताकि पिछले 14 में 5 हैं, 14 के 14 मुसलमान हो जाएं। और ये एक तरह का स्टेप जो हमने लिया है आज के हर धर्म की नुमाइंदगी करने वाले हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, बात रखें, अपने ही फॉलोअर्स को समझाएं कि आतंकवाद गलत है, टेररिज्म गलत है, और कोई भी धर्म जो है इसकी तालीम नहीं देता, इसकी शिक्षा नहीं देता। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल का जवाब आपको।